वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो सबसे पहली खबर है वो है वन दरोगा भर्ती से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है कि वन दरोगा भर्ती जो लगभग 336 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा हुई थी 18 सितंबर में, उसको लेकर भी बड़ा बवाल हुआ था। करीब 300 से ऊपर जो है क्वेश्चन वहाँ पर डिलीट किए गए थे। तो फिलहाल कल आपने देखा होगा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है इस भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर जो बड़ी खबर है वो ये है कि वन दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली पर 6 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं इन आरोपियों के खिलाफ जो है दर्ज हुआ है मामला। तो आप देख सकते हैं इसमें हरिद्वार के ही लगभग सभी जो है अभियुक्त हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली साल वन दरोगा की ऑनलाइन भर्ती में धांधली के लिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 6 लोगों के खिलाफ जो है नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी हरिद्वार जिले के निवासी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की क्या बाइट है वो सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति से कोई समझौता नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के ईमानदार और मेहनती युवाओं के साथ सरकार अन्याय नहीं होने देगी। पुष्कर सिंह धामी। तो देखते हैं अब किस तरह से इसमें जांच आगे बढ़ती है। लगातार जिस तरह से वीडियो में भर्ती में तमाम बड़े बड़े नाम निकल के सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस भर्ती में भी आपको जो है एसटीएफ की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड मूसा का साथी संपन्न राव जो है कल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं उसके अलावा योगेश्वर राव की जो है तलाश अभी जारी है। और उसके अलावा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अभियुक्त के पास 3.80 लाख रुपए जो है बरामद हुए थे। वह मूसा के साथ परीक्षा से पहले हल्द्वानी आया था और यहां अन्य साथियों के पेपर उपलब्ध कराए और पेपर लीक से करीब जो है उसने लाखों रुपए अर्जित किए और इसमें यह 34वीं जो है यहाँ पर गिरफ्तारी है। अब यहाँ पर जो दूसरी बड़ी सबसे बड़ी खबर है कि आयोग के सामने पेपर छापने वाली कंपनी की चुनौती बनी हुई है कि वो किस तरह से सिलेक्शन करेगी, क्योंकि आर्मसेस टेक्नो सॉल्यूशन ऑलरेडी इस मामले में उसके ऊपर जांच चल रही है। तो तमाम जो है बड़ी दिक्कतें आयोग के ऊपर चल रही है। बात करेंगे वन दरोगा भर्ती के बारे में। इसमें से जो 8 संदिग्ध अभ्यर्थियों में से 6 ने एक ही केंद्र पर परीक्षा दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसमें बड़ा मामला है। तो वन दरोगा भर्ती में जो 8 संदिग्ध अभ्यर्थी हैं उनमें से 6 ने जो है एक ही सेंटर पर जो है परीक्षा दी और 3 परीक्षा केंद्रों की जांच जो है इसमें दायरे में है। तो तमाम आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो है आयोग के जो भर्तियां हुई हैं रिसेंट पास्ट में उस पर जो है लगातार क्वेश्चन मार्क जो है खड़े उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा वन दरोगा की जो भर्ती हुई थी उस समय बहुत ज़्यादा यहाँ पर हंगामा हुआ था, चाहे क्वेश्चन डिलीट को लेकर हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो, तमाम तरह के। लेकिन चाहे आयोग के अध्यक्ष हों उस टाइम के, आयोग के सचिव हों, उन्होंने लगातार इस तरह की बड़ी गड़बड़ी से जो है उन्होंने किनारा कर लिया था। और जब बात रही क्वेश्चन डिलीशन की तो उसमें ये कहा गया कि वो एक्सपर्ट हैं। अब भगवान जाने वो एक्सपर्ट अभी किस बिल में छुपे हैं, उनको तो बाहर निकल के आना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करेंगे विधानसभा भर्ती के बारे में। जैसे कि आपको पता है पूरे उत्तराखंड में इसमें भर्तियों में ही जो है घपले की बात चल रही है। तो बात करेंगे विधानसभा में, जैसे कि आपको पता है कि कमेटी गठित की गई है जिसको 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। तो विशेषज्ञ समिति जाँच के लिए विधानसभा पहुंची उनकी टीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रविवार को जाँच के लिए समिति विधानसभा पहुंची। समिति को 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को भूषण को सौंपना है। विधानसभा की भर्तियां विवादों के घेरे में आने के बाद स्पीकर ने जो है इस पर जांच के आदेश दे दिए। अब बात करते हैं डीके कोटिया जो कि जांच समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा है कि समिति ने जांच शुरू कर दी। समिति के सदस्यों के साथ जांच की रूपरेखा तय करने के लिए बैठक की गई है। समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने का जो है समिति का पूरा प्रयास रहेगा। तो आप देख सकते हैं लेट्स होप कि 1 महीने के अंदर ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं या नहीं निकल के आती हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड विधानसभा की शाख को बट्टा जरूर लगा है। चलिए बात कर लेते हैं अब पेपर छापने वाली कंपनी का चयन जो है चुनौती बना है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए। क्योंकि आपको पता है आगामी भविष्य में बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, जैसे आपने फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, लेखपाल की भर्ती है, पटवारी
सवारी की भर्ती है, SI की भर्ती है, उसके अलावा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, तो तमाम इन भर्तियों में पेपर छापने और करीब लाखों लोग जो है इसमें परीक्षाएं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है कि कौन सी कंपनी को पेपर छापने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, वो भी एक बड़ी समस्या है। क्योंकि आपने देखा होगा टेक्नो सॉल्यूशंस आर्मसेस जिस तरह से पूरे पेपर लीक मामले में यहाँ पर शामिल हुआ है, कहीं ना कहीं उससे जो है बड़े क्वेश्चन यहाँ पर उठ जाते हैं। उसके अलावा काम गोपनीय लेकिन चुनौतियां सार्वजनिक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे तो आयोग का परीक्षा के प्रश्न पत्र छापने के लिए कंपनी का चयन करने की पूरी प्रक्रिया गोपनीय है, लेकिन जिस हिसाब से आर्मसेस कंपनी की करतूत सबके सामने आई है, उससे जो है एक और चुनौती जो है सार्वजनिक हो गई है। आयोग के सामने परीक्षाओं में पैदा हुई अविश्वास को चुनौती से पार करना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नए जो सचिव आए हैं RS रावत, उन्होंने क्या कहा है कि निश्चित तौर पर नई कंपनी का चयन करना चुनौतीपूर्ण है, परीक्षा नियंत्रक के स्तर से यह काम किया जाएगा, दागी कंपनी के खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि को एक हफ्ते का समय दिया गया है, लेट्स होप कि वो ये चीजों को सही से संपन्न कर सके। बाकी आप देख सकते हैं कौन कौन बड़े बड़े एग्जाम होने, तो 8 बड़े एग्जाम यहां पर होने हैं जिनकी तिथि जो है जारी होने का इंतजार है, यानी कि एग्जाम कैलेंडर का इंतजार है। तो वो कौन से बड़े एग्जाम है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस SI, लैब असिस्टेंट, भर्ती सहायक, लेखाकारी एग्जाम, उत्तराखंड JEE, गन्ना प्रवेक्षक। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े पूरे 8 एग्जाम हैं और जिसमें लगभग लाखों के मात्रा में जो है अभ्यर्थी इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी चुनौती उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए भी बनती है। चलिए बात कर लेते हैं आगे बड़ी खबर की, 80,000 ने दी थी वन दरोगा भर्ती। जी हाँ, यहाँ पर आप बात करेंगे 15 जुलाई को आया था रिजल्ट, जहाँ और 332 सवालों को आयोग ने जो है हटा दिया था। और जब सभी कैंडिडेट्स ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी तो एक्सपर्ट का जो है हवाला दिया गया था। तो अभी एक्सपर्ट कौन है, किस बिल में घुसे हैं, तो वो वाकई क्या बाहर आएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो बाहर आएंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती में चयन से ठीक पहले गड़बड़ी पकड़ में आ गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी की शिकायत के आधार पर चली जांच में यह गड़बड़ी सामने आने के बाद आयोग की ऑनलाइन परीक्षा में सेंध का पहला मामला भी खुला। इससे पहले केवल फॉरेस्ट गार्ड में ही जो है ब्लूटूथ करके जो है यहाँ पर कराई गई थी। तो उसके अलावा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी बता चुके हैं अलग गैंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें जो है, उसके अलावा शक होने पर पूर्व सचिव संतोष बडोनी ने की थी शिकायत। हालांकि अब ये वाकई में शिकायत की गई थी या इस तरह से ये चीज़ें खबर आ रही हैं, लेकिन अगर संतोष बडोनी ने जो है शिकायत की गई थी तो क्यों उनका फिजिकल हुआ, क्यों लगभग DB करा के सब कुछ रिजल्ट करा के फाइनल जो है ज्वाइनिंग कराने की पूरी आयोग तैयारी कर रहा था। कहीं ना कहीं बड़े सवाल आयोग पर भी उठते हैं यहाँ पर। ये CBI जांच फिलहाल बहुत जरूरी है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर, जिस हिसाब से उत्तराखंड में लगातार भर्तियों पर जो है धांधली हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रद्द करने पर जताए नाराजगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती परीक्षा लिखित और साक्षात्कार के आधार पर करने की उठाई मांग। तो अधिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग भी कहीं ना कहीं जो है कई घेरों में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 को रद्द किए जाने पर NET ZGRF संगठन ने कड़ी नाराजगी जताई है। संगठन के जुड़े सदस्यों ने कहा है कि भर्ती में बाहरी व सगे संबंधियों के चयन को आनन फानन में रद्द कर दिया गया है। कहा कि संगठन लगातार भर्ती की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर करने की मांग कर रहा है, लेकिन मांग नहीं सुनी जा रही है। रविवार को NET ZGRF संगठन की बैठक में संगठन के सदस्य डॉक्टर जितेन ढोंडियाल ने जो है आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2021 की API के आधार पर, यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर कराई जा रही थी। आयोग ने जो है तमाम यहां पर आप देख सकते हैं भर्ती घोटालों में, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का नाम हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग का नाम हो, लगातार जो है उछलते रहते हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला मामला भी जो है काफ़ी सुर्खियों में है लोक सेवा आयोग की ओर से। बाकी आपकी क्या राय है इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, मिलता हूँ उन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली जो खबर है अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्निवीर भर्ती के लिए दो भाइयों ने फर्जी दस्तावेज बनाए थे और स्थायी प्रमाण पत्र भी बनाया था। तो आप देख सकते हैं इससे पहले भी एक उत्तर
प्रदेश का जो कैंडिडेट है वो भी जो यहाँ पर पकड़ में आ गया है, क्योंकि उसका डेटा जब फीड किया गया था कि ऑलरेडी वो 2019 की भर्ती में जो है शामिल हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटद्वार की बात है, अग्निवीर भर्ती के लिए मानपुर के दो सगे भाइयों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तहसील से स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना महंगा पड़ गया। मामला संज्ञान में आने के बाद तहसील प्रशासन ने प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है, दोनों भाइयों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करा लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो व्यक्ति फर्जी तरीके से ऑलरेडी इंडियन आर्मी में जाएगा तो किस तरह से हमारे देश की सेवा कर सकता है, नतीजे आप यहीं पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वन दरोगा भर्ती से ऑलरेडी यहां पर आप देख सकते हैं 316 पदों पर जो भर्ती हुई थी उसमें जो है कार्रवाई हो गई है। यहां पर आप देख सकते हैं परीक्षा में धांधली की पुष्टि के बाद साइबर थाने में मुकदमा, 6 अभ्यर्थियों को यहाँ पर आरोपित घोषित किया गया अभी तक। बाकी उनमें से जो टोटल 8 में से 6 लोगों ने परीक्षाएं दी थी, 3 केंद्रों में यहाँ पर उनका नाम भी यहाँ पर दर्ज है। उसके अलावा विधानसभा भर्ती के दस्तावेज 8 घंटे खंगाले गए। अब ये वाकई में एक्सपर्ट कमेटी किस तरीके से सामने बातों को लाती है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर होगी बड़ी जांच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेटी के सामने सबसे बड़ी चीज, बड़ी चुनौती स्पीकर के विशेषाधिकार में नियुक्ति देने का प्रावधान का पता लगाना है। सदस्य रावत ने बताया कि वो मुख्य रूप से नियमों को ही देखेंगे कि किस नियम के तहत और तमाम और चीज़ों के तहत विधानसभा में पूरी यहाँ पर नियुक्ति दे देगी। उसके अलावा बड़ी खबर आ रही है वन दरोगा की, 15 से 25 लाख रुपए तक वसूले गए थे एक सीट के लिए। और याद हो आपको जब वन दरोगा की जो परीक्षा हुई थी उसी दौरान एक वायरल ऑडियो भी हुआ था जिसमें ये बात बिल्कुल कबूली गई थी कि 15 से लेकर 25 लाख की जो है यहाँ पर डिमांड की गई है। अगर उस समय STF ने सही तरीके से उसकी जाँच की होती, आपको याद हो उसमें कहा भी गया था कि विजिलेंस इसकी जांच कर रही है इस ऑडियो की सत्यता की, लेकिन फिलहाल आज तक कोई रिपोर्ट बाहर नहीं निकल के सामने आई। और आज आप देखिए साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी हो गया, एजेंसी परीक्षा केंद्रों और निरीक्षकों के गठजोड़ से गड़बड़ झाला, कई लोग यहां पर हिरासत में और दागी कंपनी को ठेका दिया गया। तो आप देख सकते हैं NSIT एजेंसी MP में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कराए गए कई परीक्षाओं में विवादित रही है। PB द्वारा आयोजित वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नर्सिंग समेत 3 भर्तियों को निरस्त करने पर एजेंसी पर भी कार्रवाई हुई थी। उधर STF ने भी एजेंसी के संबंध में MP से संपर्क कर डिटेल मांगी है। बेरोजगार संगठन बॉबी पवार ने भी इस संगठन के बारे में ऑलरेडी यहां पर आवाज़ उठाई थी, बहुत पहले इसके बारे में आवाज़ उठाई गई थी। अब आज देख सकते हैं कि इसी जो है संगठन का नाम इसमें आगे आ रहा है। अब बाकी वीडियो भर्ती में जो कल गिरफ्तारी उसमें आप देख सकते हैं 92 लाख रुपये और दर्जनों अकाउंट जो है यहां पर जो है STF ने फ्रीज कर लिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम ये भर्ती घोटाला चल रहा है। उसके अलावा मूसा और राव अंडरग्राउंड STF खंगाल रही है कुंडली। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मेन कल्प्रिट मूसा और उसका साथी राव यहाँ पर गिरफ्तार है, लेकिन उसके गुर्गे जो है यहाँ पर पकड़ाए गए हैं। अब बात करते हैं विधानसभा भर्ती को लेकर, जैसे कि पता है कुंजवाल जो है यहाँ पर तमाम उन्होंने एक्सेप्ट किया था, यहाँ उन्होंने अपने रिश्तेदारों को उसमें दी है नौकरी दी है विधानसभा में। अब वो अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने विधानसभा की भर्तियों की भ्रष्टाचार की श्रेणी में रख दिया है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब राष्ट्रीय महासचिव सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी विधानसभा की भर्ती पर तीखे सवाल उठाए हैं। पूर्व CM रावत कैंप के लिए जो है ये बहुत ही एक बड़ी जो है दुखदायी खबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष जो है करण महारा ने क्या कहा कि विधानसभा की भर्ती में जिन जिन प्रभावशाली लोगों ने अपने नाते रिश्तेदारों को नौकरियां बांटी हैं वो तत्काल इस्तीफा दिलाएं और वो खुद राजनीति जीवन से संन्यास लें, वो चाहे भाजपा के लोग हों या फिर कांग्रेस के। सरकार सभी भर्तियों की कमेटी से जांच कराने के बजाय हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जो है इसकी जाँच कराए। तो गाइस ये रही आज की बड़ी खबरें, यहाँ पर हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी किसी तरह से BPDO भर्ती में जांच चल रही है वन दरोगा भर्ती को लेकर। तो आई होप सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक के बटन को दबा दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।